वेलकम टू आदित्य किचन। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। एक बाउल में हम आधा कप बेसन लेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे। यहाँ पे रोस्टेड पीनट को मैंने क्रश कर लिया है, वो हम 1/4 कप, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून शुगर लीजिए, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और वापस से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इस मसाले में बारीक क्रश करके गार्लिक ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो मसाला बनाया है इसमें मैंने बेसन लिया है। अगर आप इसको इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो बेसन से बना हुआ कोई भी नमकीन बारीक क्रश करके इसको इसकी जगह पे ले सकते हो, इससे आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। अब हमारा मसाला तैयार है। मैंने यहाँ पे दिखाया है, इस तरह से हम भिंडी को अच्छे से वॉश करके पोंछ लेंगे और इसके बाद हम इसकी एक समान पीस कर लेंगे और इसको बीच में से हम स्लिट कर देंगे। एक पैन में हम 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 2 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग, सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम कटी हुई भिंडी डालेंगे। अब इसको एक बार हम हिला लेंगे और इसके बाद हम 5 से 7 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। भिंडी आपका शुगर लेवल कंट्रोल करती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही गुणकारी है। अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। भिंडी के ऊपर ही हम इसको अच्छे से चम्मच की मदद से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब इसको ढक्कन खोल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारी मसाला भिंडी सर्व करने के लिए तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस तरह से ये सब्जी को जरूर से बनाइए और मुझे फीडबैक जरूर से भेजिए। आदित्य किचन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।